सुबह हो रही थी और सुबह ही सुबह पुलिस के फोन पर रिंग बजती है। पुलिस फोन उठाती है और उधर से एक व्यक्ति कहता है कि सर जी जल्दी यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लड़की का सर फाड़ दिया गया है, उस सर में तेजाब डाला गया है। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को काट करके अलग कर दिया गया है। लड़की पहचान में ही नहीं आ रही है, बहुत बुरी तरीके से इस लड़की को मारा गया है। कुछ खबर नहीं है कि कौन है और सामने हमारे पड़ी हुई है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी सुबह सुबह इस लड़की को आखिर इतनी बेरहमी से कौन मारा। पुलिस बिना देर करते हुए वहीं पर पहुंचती है जहां पर वो फोन करने वाला बुलाया होता है, और जब पुलिस देखती है लाश को तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लाश बिल्कुल बुरी कंडीशन में थी। जिस व्यक्ति ने भी इसको मारा था उसको पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं, यहां तक कि पुलिस की बहुत बेइज्जती भी होती है। तो आखिर कौन था ये हत्यारा जो इतनी बुरी तरीके से इस लड़की को मारा था? ध्यान दीजिए इस घटना के ऊपर, क्योंकि ये घटना दुनिया में कहीं कहीं ही होती है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसलिए क्योंकि इस केस को पढ़ने में बहुत समय लगा है और तब जाकर के मैं आपको बता पा रहा हूं, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब इस केस की ओर बढ़ते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है पेरिस से। पेरिस में एक लापू लापू शहर होता है, और उसी शहर में एक महिला होती है जो अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। उस महिला का तलाक हो चुका होता है, पर फिर भी वो सिंगल मदर 4 बच्चों के साथ लापू लापू शहर में रहती है। उसकी जो दूसरे नंबर की बेटी होती है क्रिस्टिन ली, इसी के साथ ये घटना घटती है और ये घटना सबको हिला करके रख देती है। दरअसल क्रिस्टिन ली जो होती है वो 9th क्लास की स्टूडेंट होती है, पढ़ने में भी अच्छी होती है और साथ ही साथ वो धार्मिक भी होती है। उसके घर के ठीक कुछ दूरी पर एक चर्च होता है, सीक्रेट हार्ट पैरिश चर्च। इसी चर्च में वो जाती है, पूजा करती है और फिर घर आ जाती है, और ये डेली का रूटीन होता है। दरअसल सुबह में वो स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आती है, शाम को 6 बजे चर्च के लिए निकलती है और चर्च से फिर 7 बजे तक घर पर आ जाती है। ये डेली का रूटीन होता है। लेकिन कौन जानता था कि एक बार क्रिस्टीन निकलेगी तो चर्च के लिए, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आएगी। कुछ ऐसा ही अब क्रिस्टीन के साथ होने वाला था। दरअसल 10 मार्च 2019 इस दिन संडे होता है। क्रिस्टीन घर में अपनी माँ के साथ काम करवाती है। काम करवाने के बाद फिर शाम होता है और वो सोचती है कि अब हम चर्च के लिए निकलते हैं। कपड़े पहनती है, साफ सुथरा हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहती है कि अब हमारा समय हो चुका है, मैं जा रही हूँ चर्च, चर्च से पूजा करके वापस आती हूँ। ये कह करके वो निकल जाती है चर्च। चर्च में तो वो जाती है, वहां पर पूजा भी करती है, सब कुछ करती है। लेकिन इधर वक्त काफी ज्यादा बीत रहा था। उसकी माँ घर पे थी, उसकी माँ अभी भी काम कर रही थी, लेकिन काम कंप्लीट होता है और वो घड़ी में देखती है तो 7 बज चुके थे। उसकी माँ सोचती है कि अब तक तो क्रिस्टीन डेली आ जाया करती थी, आज नहीं आई क्यों? लेकिन फिर सोचती है कि कुछ काम होगा या फिर थोड़ा सा और रुक गई होगी, तो वो कुछ समय और बिताती है। घड़ी में 8 बज जाते हैं। अब उसकी माँ के दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा चलने लगता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, और ये सोचते सोचते कुछ वक्त और बीत जाते हैं और अभी भी क्रिस्टीन वापस नहीं आई होती है। अब उसकी माँ का जो शंका मन में चल रहा था वो धरातल पे भी आने लगा था। वो अब सोचने लगी थी और यही सोचते सोचते वो चर्च के लिए भी निकल जाती है, ये सोचकर कि शायद उसकी बेटी चर्च में ही मिलेगी क्योंकि वहीं पे वो गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो चर्च में पहुंचती है, पूछती है,
तो वहां पर बताया जाता है कि वो तो कभी का निकल चुकी है। क्रिस्टीन का एक दोस्त भी होता है जो वही चर्च में काम करता है, रियान। रियान से उसकी माँ पूछती है कि क्रिस्टीन आई थी, वो कहाँ गई, क्या उसके बारे में कुछ पता है? तो रियान कहता है कि मैं भी चर्च से उसके साथ ही 6 बजे के करीब में निकला था घर जाने के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में ही कुछ काम याद आ गया, इसी वजह से मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट कर चर्च आ गया और वो निकल गई। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि क्रिस्टीन किधर गई, हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आधे रास्ते तक वो मेरे साथ ही गई है। इतनी जानकारी होते ही उसकी माँ की शंका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तो विश्वास भी होने लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो हुआ ही है क्रिस्टीन के साथ। वो तुरंत भागी भागी घर पे आती है, अपने पड़ोसियों को कहती है कि ये मैंने किया करके देखा, क्रिस्टीन अभी तक नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई है। तो उसके पड़ोसी जो होते हैं वो क्रिस्टीन की माँ के साथ मिल करके चारों ओर ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टीन का कोई ठिकाना ही नहीं था, उसको कोई नहीं ढूंढ पाता है। सब लोग थके हारे अब एक ही बात सोचते हैं कि अब हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन और कंप्लेन लिखवाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, हम खोज चुके हैं, लड़की मिली नहीं, तो उपाय एक ही है, पुलिस को बताना। सभी लोग जाते हैं फिलीपीन पुलिस के पास, वहां पर बताया जाता है। फिलीपीन पुलिस से यहां पर एक गलती हो जाती है। दरअसल जो आस पड़ोस के लोगों ने जिन जिन जगहों को खोजा था, पहले से ढूंढ रखा था, पुलिस भी उन्हीं जगह पे जा करके ढूंढती है, कोई अन्य जगह पे नहीं देखती है। पुलिस को भी वो नहीं मिलती क्योंकि उस जगह पे पहले भी ढूंढा जा चुका था और पुलिस वहीं पे जाके ढूंढ रही थी। काफ़ी रात भी हो गई ढूंढते ढूंढते, लड़की मिली नहीं। पुलिस भी हार मानकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, आप लोग घर जाइए, लड़की को हम लोग सुबह में ढूंढेंगे। फिलीपीन पुलिस की ये गलती किसी की जान ले लेती है और यहाँ पर होता है वही जो संदेह होता है। हालांकि उस समय जिस समय पुलिस कहती है कि आप लोग घर जाइए, लड़की की माँ जो होती है, क्रिस्टीन ली की माँ जो होती है, वो वापस घर पे आ जाती है इसी उम्मीद में कि कल सुबह से फिर लड़की को ढूंढेंगे और वो पास में ही मिल जाएगी और उसे हम वापस घर पे ला लेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता। अगली सुबह होती है, सुबह होते ही पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन में एक आदमी पुलिस को बताता है कि एक हमारे साथ लड़की पड़ी हुई है, हमारे सामने एक लड़की पड़ी हुई है जिसके शरीर पे बहुत कम कपड़े बचे हैं, उसका सर भी फोड़ दिया गया है, उसमें एसिड डाला गया है, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा गया है, शायद उसमें कुछ चीज़ डाली गई है। पुलिस ये सुनते ही, क्योंकि पुलिस के पास तो पहले से भी इन्फॉर्मेशन थी कि एक लड़की गुम हुई है, पुलिस देर ना करते हुए उस लाश के पास पहुंच जाती है। पुलिस देख करके हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की पहचान में बिल्कुल नहीं आ रही थी। पुलिस बिना देर करते हुए लड़की की माँ को बुलाती है जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। क्रिस्टीन ली की माँ आती है, उस लाश को देखती है, लाश पे थोड़े बहुत कपड़े बचे थे, उस कपड़े को देखती है, लड़की की हाथों में ब्रेसलेट था उसको देखती है और वो पहचान जाती है, क्योंकि वो ब्रेसलेट जो है उसकी माँ ने ही उस लड़की को गिफ्ट किया होता है। वो पहचान जाती है कि ये लड़की तो क्रिस्टीन ली ही है, जिससे कि वहाँ पर सब लोग देखते रह जाते हैं। हालांकि अब लाश को पुलिस भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम भी हो जाता है, बहुत कुछ पता चलता है कि इसे मारा गया है, किस प्रकार से मारा गया है अपराधी भी बताता है। लेकिन ये सुन करके आपके हालात खराब हो सकते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। दूसरी बात, हम पहले देख लेते हैं कि अपराधी को पकड़ा कैसे जाता है, क्योंकि अपराधी पकड़े जाने में भी पुलिस की हालत खराब हो जाती है। दरअसल पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं था कि किसने मारा, किसने क्या किया, कुछ भी नहीं था। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, उस व्यक्ति का नाम होता है जॉन्स मैटल बोवेनो। ये व्यक्ति पहले भी क्राइम कर चुका था और जिसको मारा था उसका मुंह जो है वो अच्छे से तोड़ दिया था, जिसको कहते हैं कि धुन दिया था, जिससे कि उस व्यक्ति का पहचान ना हो सके। और ऐसा ही केस क्रिस्टीनो लियो के साथ भी हुआ, वो भी
जो लाश था वो पहचान नहीं पा रहे थे कोई भी लोग। ऐसा ही उसकी भी दुर्दशा कर दी गई थी लड़की की, इसीलिए इस व्यक्ति को पकड़ा गया था कि शायद यही व्यक्ति ये वाला खून भी किया हो। लेकिन उसको मारा जाता है पुलिस के द्वारा, बहुत यातनाएं देने के बाद भी जो व्यक्ति पकड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये खून किया ही नहीं है। क्योंकि पुलिस के पास कोई आधार नहीं होता, एक छोटा सा भी सबूत नहीं होता, पुलिस उसे यातना भी दे चुकी होती है कि ये तुमने किया है तो बता दो, लेकिन वो मुकर जाता है, तो पुलिस को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इस व्यक्ति को भी छोड़ दिया जाता है। अब जब मीडिया देखती है कि पुलिस से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सभी लोग देखते हैं कि इस केस में पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था उसको भी छोड़ दिया क्योंकि वो अपराधी था ही नहीं। अब जस्टिस फॉर क्रिस्टियनो ली, ये सभी लोग, वहां के लोग सड़क पर उतर के बोलने लगते हैं, जस्टिस मांगने लगते हैं पुलिस से, जिससे पुलिस की बेइज्जती शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस के पास कुछ भी नहीं था जिससे कि पुलिस ये केस को सॉल्व कर पाए, पुलिस बिल्कुल हार मान चुकी थी। अब ये मुद्दा जो है वो इंटरनेशनली पॉपुलराइज होने लगा था, नेशनल लेवल पे यानी फिलीपींस में तो था ही, लेकिन अब बाहर विदेशों की मीडिया भी इसे कवर करने लगी थी, अब प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। तो फिलीपींस की सरकार ने अब इस केस को पुलिस से हटा करके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सौंप दिया कि अब पुलिस नहीं, ये लोग इसकी जांच करेंगे। अब ये लोग जांच में आगे बढ़ते हैं, कैसे भी ढूंढते ढूंढते एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें जो लड़की होती है वो एक लड़के के साथ में जा रही नजर आती है। आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा, लेकिन इस तस्वीर को देख करके ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि वो लड़का उसके साथ में है कौन। उसकी माँ को बुलाया जाता है, वो अपनी लड़की को तो पहचान जाती है कि ये मेरी लड़की ही है, लेकिन साथ में जो लड़का होता है उसे पहचान नहीं पाता कोई भी। पर हाँ, ये तस्वीर देख करके ये कहा जा सकता था कि ये लोग जिस तरीके से जा रहे हैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ समय और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को फाइनली उस लड़के के बारे में पता चल जाता है जो उस तस्वीर में दिख रहा था। लड़के का नाम होता है जॉन। जॉन को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है, इन्वेस्टिगेशन वाले गिरफ्तार करते हैं और उसको लेकर के कस्टडी में रख लेते हैं। हालांकि जो जॉन की माँ होती है वो कहती है कि लड़का दिन भर हमारे साथ ही था, जब ये केस हुआ होगा उस समय हमारे साथ ही था, हमारे साथ काम कर रहा था, ये लड़का कभी कर ही नहीं सकता, मेरा लड़का जॉन जो है वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे साथ था। लेकिन पुलिस क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लेकर पुलिस चली आई। और फिर वही पुलिस ने उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया, बहुत मारा जा रहा था वो लड़का, बहुत यातनाएं दी गई जेल में, और बहुत कुछ करने पे भी वो जॉन बोला कि मैंने ये नहीं किया। लेकिन अब जॉन को लग रहा था कि पिटते पिटते वो खुद ही मर जाएगा, तो उस पिटाई से बचने के लिए उसने ये गुनाह कबूल कर लिया। कबूल करते ही इस केस को 19 मार्च को बंद कर दिया गया और कहा गया कि गुनहगार यही है, क्योंकि जॉन कबूल चुका था कि हाँ मैंने ही मारा है, तो ये केस बंद होना ही था। लेकिन मीडिया या फिर सभी लोग यही पूछ रहे थे कि कुछ प्रूफ तो दो कि इसी ने मारा है, इसने आखिर कैसे मारा, क्योंकि ये तो खुद ही बच्चा है और इतनी बुरी तरीके से कैसे कोई बच्चा इस लड़की को मार सकता है, मरने वाली भी बच्ची 16 साल की और मारने वाला भी बच्चा, ये कैसे पॉसिबल है और इतनी बुरी तरीके से, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और सब लोग अभी भी वैसे के वैसे ही थे। आखिरकार पुलिस को भी ये बात माननी ही पड़ी कि उस लड़के ने खून नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट ही पुलिस के पास थी जो वो लड़का कहा था कि हाँ मैंने ही खून किया था, बाकी तो कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से खून किया गया है, क्योंकि लड़का खुद ही नहीं जानता था क्योंकि उसने किया ही नहीं था, तो पुलिस के पास और कुछ नहीं था। इसी वजह से उस लड़के को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो लड़का डर करके ये सब कबूल किया था। अब पुलिस जहां पर से शुरू की थी वहीं पर आके खत्म हो गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, शून्य बराबर शून्य।
इस केस को सॉल्व करने के लिए ना तो कुछ सबूत थे, ना कोई गवाह थे और ना ही कुछ था। लेकिन एक चमत्कार होता है। 9 अप्रैल 2019 इस दिन एक रोनाटे नाम का आदमी निकलता है और वो कबूल कर लेता है कि क्रिस्टिनो ली जो है, जो लड़की है, उसको मैंने ही मारा है। अब सभी लोग बिल्कुल कांप जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। हालांकि इसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, पर इतनी ज़्यादा बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे, छोटे छोटे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। लेकिन जब ये आया सबके सामने तो सब लोग चौंक गए। तुरंत पुलिस इसको हिरासत में लेती है और पुलिस पूछती है कि बताओ इसे क्यों मारा और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास यानी पुलिस के पास कोई भी सबूत ही नहीं है। तो वो कहता है कि इस लड़की को मैंने ही मारा। तो पुलिस पूछती है कि क्यों कह रहे हो कि मैंने ही मारा। तो वो बोलता है कि मेरे हिस्से की जो सजा है वो किसी टीनेजर को, छोटे बच्चे को दी जा रही है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने मारा है और छोटा बच्चा मेरी सजा को भुगते, और इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसे मैंने ही मारा है। पुलिस पूछती है क्यों मारा है, ऐसी क्या इस 16 साल की बच्ची के साथ तुम्हारा दुश्मनी हो गया था कि तुम्हें इसे मारना पड़ा। तब यहाँ पर कुछ खोलता है, और जो ये राज खोलता है ना, ये आज के बच्चों को भी सीख लेना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। रोनाटो कहता है कि 2018 में नवंबर में मैंने एक आईडी अपनी बनाई थी, फेसबुक आईडी, क्योंकि इस व्यक्ति की उम्र जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने आईडी को जब बनाया था तो उसमें ये 16 से 17 साल एज कर दिया था अपना, यानी अपने आप को फेसबुक पे बच्चा प्रस्तुत करता था 16-17 साल का, क्योंकि वो लड़की भी 16-17 साल की थी, तो उसने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसे तो पता नहीं था कि ये आईडी को चलाने वाला एक बड़ा आदमी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, इसने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों में बातें चालू हो गई। बातें इस कदर से बढ़ी कि इन लोगों का प्लान हो गया कि हम लोग आपस में मिलते हैं। एक डेट तय हुई 10 मार्च, और उसी दिन इन लोगों को मिलना था। इन दोनों ने यह तय किया था कि हम लोग मिलेंगे। अभी भी नहीं पता था क्रिस्टिनो ली को कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो एक आदमी है, वो कोई लड़का नहीं है 16-17 साल का, और वो तो लड़की ही थी 16-17 साल की। तो ये लोग अपने में डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलते हैं, और उसी दिन जो लड़की होती है वो चर्च जाती है। चर्च से बाहर निकलती है तो एक अपने साथी को लेकर के निकलती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बता रखा था आपको, अभी भी बता रहा हूँ, कि वो साथी जो होता है लड़की का, वो फिर चला जाता है वापस चर्च में किसी काम से, और उसे पता भी नहीं होता है कि क्रिस्टिनो जो है, जो लड़की है, वो मिलने जा रही है किसी से, तो वो चला जाता है। अब ये जो लड़की होती है वो भी उधर ही उसे मिलने के लिए बुलाई होती है, फेसबुक के दोस्त को। तो वो इधर उधर देखने लगती है कि मैंने बुला रखा था हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी, जो बात हुई थी मिलने के लिए, तो वो है कहाँ। वो इधर उधर देखती है तो सामने देखती है तो एक बड़ा आदमी जो होता है वो हाथ हिला रहा होता है, वो उसे पहचान गया होता है। तो इसे बड़ा अजीब लगता है कि ये बड़ा आदमी हमारे साइड हाथ क्यों हिला रहा है। वो जाती है उसके पास तो वो बोलता है कि जिसको तुम यहाँ पर ढूंढने आई हो ना, वो मैं ही हूँ। असल में वो 17 साल का नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ही तुमसे बात करता था। अब यहाँ पे क्रिस्टिनो ली को बुरा लगता है और वो डांटती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अब तो ये भी जान चुकी होती है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो कहता है ठीक है, नहीं करनी है नहीं करनी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर पे छोड़ देता हूँ। और फिर उसी के साथ वो घर के साइड निकल जाती है, और गलती यहाँ पर भी होती है। रास्ते में चलते चलते जो रोनाटू नाम का व्यक्ति होता है, जो छोटा बन के बात कर रहा होता है, साथ में अभी घर छोड़ने जा रहा होता है, वो कहीं अकेला पा करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जिस पे क्रिस्टीन जो होती है वो भड़क जाती है, बहुत ज़्यादा इन लोगों में बहस हो जाती है। और फिर जो रोनाटू होता है, जो आदमी होता है, वो अपने साथ हथियार भी लिए हुए होता है। वो तुरंत निकालता है हथियार को, उसके हाथ को मार देता है और उसका हाथ कट जाता है, पूरा नहीं कटता, हाथ ऐसे चोट लग जाती है। फिर उसे घसीटते घसीट के लेकर जाता है एक पार्क में जहाँ पर कोई नहीं आता, वहाँ पर उसका शोषण करता है। शोषण करने के बाद उसे मारने लगता है,
उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ चीज़ डालता है, हथियार डालता है, घुमाता है उसी में, जिससे कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसका खोपड़ी तोड़ देता है, यहाँ तक कि वहाँ पर एसिड भी डालता है, ऐसा कई आर्टिकल्स में बताया गया है, यानी दुर्दशा कर देता है। सोचो कि एक लड़की जीवित है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ डाला गया, उसको घुमाया गया, उस मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इस पर, बहुत बुरी कंडीशन में कर देता है, और वो लड़की वहीं पर तड़प करके मर जाती है। ये हत्या बिल्कुल जीवित रहते हुए उसके साथ किया जाता है, सॉरी ये कृत्य जो है, जो भी किया जाता है उस समय लड़की जीवित होती है, वो तो तड़प तड़प के मरती है, तोड़ा जाता है खोपड़ी फिर भी तड़प के मरती है, जब इंटरनल ऑर्गन्स में डाल करके उसे राउंड किया जाता है, जब इंटरनल ऑर्गन्स उसके खराब होते हैं, चोट पहुंचती है उसे, तब भी वो लड़की जीवित होती है, तड़प तड़प कर वहां पर मर जाती है रात भर में। ज़्यादा इस पर नहीं बोलते हम, इतना ही रहने देते हैं। खैर वो आदमी पकड़ा जाता है, उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा देती है, लेकिन जो मीडिया वाले थे, जो वहाँ के लोग थे, जिनको जिनको ये घटना पता थी, वो कह रहे थे कि इतना कुकृत्य करने के बाद भी कोर्ट इसे सज़ा नहीं दी है ठीक से, और कोर्ट पे प्रेशराइज करते हैं कि कोर्ट इसे सजा दे मौत की। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और वो आदमी जो होता है वो खुद ही अपने आप सुसाइड कर लेता है और मारा जाता है जेल में ही। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो भी लोग हमसे मिलते हैं या फिर कोई भी किसी से भी, कि जो सोशल मीडिया होता है, जिससे आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप नहीं जान रहे या फिर आपको लग रहा है कि मैं जान रहा हूँ, मत उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर उसे जान रहे हैं, असली हकीकत कुछ भी हो सकती है। और यही सेम क्रिस्टियानो ली के साथ हुआ है। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो भी ऐसा ही करता है या फिर ऐसा ही करती थी या फिर करती है, मैं पूरा उसका नहीं बता रहा बायोडाटा, पर वो भी ऐसा ही करती है, किसी से भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, सब कुछ कर देना। शायद उसे ये नहीं पता कि ये भी हो सकता है, और अगर मेरी ये वीडियो देखे तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम दिमाग में वो भी बिठा ले इस बात को कि ये घटना होती है। खैर आप भी इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया पे सोच रहे हैं कि सब कुछ सही है, पर सही नहीं, जो इसमें फंसता है क्रिस्टियानो ली की तरह, उसके हालात कुछ इसी प्रकार के होते हैं। राम राम, मिलते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, मेहनत बहुत लगा है। नमस्कार।